लोकल वाली बात तो अंकल हम कोई गलत कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे लड़के नहीं हैं। तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, अभी यहाँ देखो गाइस क्या हो गया, थोड़ा सा ना यहाँ पे सीन खराब हो गया, सिंपल बात। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, ये है प्राइमरी स्कूल, ठीक है, यूडीएल तो नहीं है यहाँ पे। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम, ये भी यहीं जा रहे हैं क्या, हम तो यहीं जा रहे थे यार, ये तो गलत चीज हो गया इनका, आराम से ये मिली मार देंगे। अरे अरे राइडर्स राइडर ऐसे नहीं, यहीं लगा देंगे गाड़ी। जो हमने आपको मेन प्लेस दिखाई थी गुलाघाटी जहाँ पे नहाने वाला सीन है, वहाँ से आपको 100-150 मीटर आगे आना है, कि यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, ठीक है, यहाँ पे और गाड़ियाँ भी खड़ी है। अब यहाँ से ना जो जिस गुल्लाघाटी वाले हम प्लेस में जा रहे हैं वहाँ पे क्या होता है, एंड ऑफ ये पिकनिक स्पॉट है, जैसे कि आपने नीचे वाला देखा होगा वहाँ पे बंदे नहाते वगैरह हैं, वहाँ पे पिकनिक स्पॉट था पहले, बट अब यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है ना, देखो भाई आ रहे हो आओ, अगर अपना कूड़ा हुआ ला रहे हो, सामान ला रहे हो, कुछ भी खाने वाला, कूड़ा कबाड़ा मत फैलाना भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि यार देखो हमारी ये नेचुरल ब्यूटी वाली जगह है, ये ख़राब हो जाती हैं। आप लोग अगर आते हो खाओ पियो ऐश करो, कबाड़ा उठा के ले जाओ भाई घर को, ठीक है। ये दूसरी वाली जो प्लेस है ना, यहाँ पे भी ये 4-5 हाइड्रम्स हैं, ठीक है, इन्हें हाइड्रम्स बोलते हैं हमारी भाई, हम तो जब आते थे तो हाइड्रम ही नाम पड़ा हुआ इसका। अभी हम जा रहे, देखो क्या ब्यूटीफुलनेस है गाइस, खूबसूरती आप देख रहे हो भाई, इधर आओ भाई, खूबसूरती गाइस, खूबसूरती मानी आए दुदू दुदू राइडर। तो ये देखो गाइस भाई कीचड़ भी यहाँ पे, पहले देख के आते हैं, यहाँ से आ रहा था भद्रा से अपने आपको शेर बन के मैं, लेकिन मेरा ही शेर शायरी निकल गया, पूरा सूज भीग गया यहाँ पे, पगडप हो गया सीन, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, इतनी टेंशन है मैं पालता नहीं हूँ। चेक आउट द व्यू यार, क्या लग रहा है भाई। तो ये है भाई उत्तराखंड की खूबसूरती, गुल्लाघाटी की खूबसूरती, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, ऐसे ही नहीं बोलते इसको यार, और वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस भी है। अरे अंदर बहुत बढ़िया जगह है नहाने वाली, दिखाऊंगा आपको, मैं तो आ रखा हूँ ना यहाँ से, बहुत देर से ही बात कह रहे हो, और मुझे दिखा कुछ नहीं थे भाई, दिखा तो रहा हूँ, ब्यूटी नहीं इसमें दिखी क्या, भाई छप छप की आवाज़ आ रही है। वहाँ से आए क्रॉस करा, अब हम इधर से ना एक और आपको ना मतलब एक और बढ़िया प्लेस दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, मतलब गुल्लाघाटी की ना, तो गुल्लाघाटी यार बहुत बड़ी जगह है। ओके सर आ जाओ, भाई ने भी गिल्ले कर लिए, मेरे भी हो गए थे, मेरे मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इन्हें खुद के करने पड़े। गिव मी अ रीज़न, ओहो भाई काफ़ी यार यहाँ पे ना रास्ता काफ़ी ऐसा ही है भाई, जंगलों वाला, हाँ तो अमेजोन वाला ही फील आता है यहाँ पे ना। अभी हम आ रखे हैं दूसरे जगह, यहीं पे गुल्लाघाटी जो पिकनिक वाला एरिया है, दो हैं गुल्लाघाटी में अगर आपको आने, नहाने वाला एरिया अलग है और एक पिकनिक वाला है, और यहाँ पे नहा भी सकते हो आप, तो इस वाले एरिया की ये चीज़ मुझे बढ़िया लगती है। पर अभी हम यहाँ पानी क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ भी पानी क्रॉस करना पड़ेगा। तो गाइस अभी यहाँ भी आ रखे हैं हम, तो देखो अभी क्या है ना यहाँ पे ना, मेरे जगह देखो लोगों ने यहाँ पे चूल्हे बना रखे हैं, यहाँ पे आते हैं लोग खाते हैं पीते हैं, लेकिन देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खाओ पियो ऐश करो मित्रों, लेकिन यार साफ़ सफाई ज़रूर करो। यहाँ पे आके थोड़ी साफ़ सफाई दिख रही है भाई, कि लोगों ने यहाँ पे गंदगी फैलाई, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, देखो यार बोतलें वहाँ पड़ी हुई हैं, ये चूल्हे यहाँ पड़े हुए हैं, तो कोशिश करेंगे हम कि थोड़ी साफ़ सफाई करके जाएँ यहाँ से, तो बस अपना है वही। अच्छा तो भाई यहाँ भी आके नहाए थे हम, यहाँ भी नहा सकते हैं आप लोग। अभी हमने यहाँ पे घूम वगैरह लिया है, हमने साफ़ सफाई भी कर दी, हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते यार, हम अगर काम भी करते हैं हम कभी किसी को दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते हम, और थोड़ा बहुत ही करें, ज़्यादा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हम पे टाइम ही, हमें निकलना भी है, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुकी है, बहुत बड़ा हाँ, लोग भी कम है, और भाई टाइम दिखाना चाहिए भाई कितना हो गया, कहीं देखो टाइम भी 3 बज गए हैं, फिर आज वीडियो भी अपलोड करनी है, एडिट करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे क्यूरल भी आ रही है गाइस, धूप से उड़ दी, नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं दिखा पा रहा हूँ गाइस, नहीं दिखा पा रहा हूँ सॉरी। सो गाइस मुझे बदनाम कर रहा है ये, इधर आ रहा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। सो गाइस अब चल रहे हैं यहाँ से भाई, कितना बढ़िया, देखो क्या प्यारा बुग्यान लग रहा है यहाँ पे ना। तो भाई ये ना मस्ट विजिट प्लेस है भाई, अगर आप समर में आने की सोच रहे हो, मतलब अगर आप समर्स में सोच रहे हो घूमने आने की, भाई मोस्ट ये ना एक अंडररेटेड प्लेस कहलाई जाती है गुल्लाघाटी ना, मतलब है काफ़ी फेमस ये, बट फिर भी लोग इतना रिकनाइज नहीं करते इसको, इतना फेमस नहीं है ये, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है भाई, समर में आ रहे हो ना है, हाँ रिस्की इसलिए ना क्योंकि यार देखो लोग आते हैं यहाँ पे ना दारू वगैरह करते हैं, तो उससे थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक बारी लोगों ने हल्ला भी करा था, यहाँ के जो लोकल लोग थे, बाहर के लोगों का आना बंद कर दिया था, लेकिन अभी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट भाई दारू वगैरह से यार लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हल्ला वगैरह मत करना, क्योंकि बहुत पीसफुल जगह है, बहुत अच्छी जगह है यार, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना यार, देखो व्यू देखो यार भाई, क्या इतनी पीसफुल जगह में अगर आप गंद करोगे तो यार हमारी उसके लिए प्रकृति के लिए एंड एरिया के लिए भी बेकार रहता है, क्योंकि लोग रहते हैं यार, फैमिली रहती है ऊपर,
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम निकल रहे हैं घर को, तो कुछ बात आपको बतानी थी जो मैंने इन्फॉर्म कर दी। और भाई अपना और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो भाई, कुछ भी ला रहे हो, खा रहे हो, खाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट भाई इस चीज़ का ध्यान रखना कि ना कूड़ा वगैरह मत फैलाना यार, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, इसकी ब्यूटीफुलनेस ख़राब हो जाएगी यार। तो प्लीज़ इसकी नेचुरल ब्यूटी को आप डैमेज मत करना। यहाँ से हम आ चुके हैं अब, तो चल रहे हैं। यही मतलब ना कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी। अगर आप गुलाघाटी आ रहे हो भाई, आओ, इन्जॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यार अपना कबाड़ा वगैरह यार प्लीज़ अपने साथ ही ले जाना। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, देखो हमने बैग बदल दिया जो हम कबाड़ा लेके आ रहे थे, और हम खट्टा करके ले जा रहे हैं कबाड़ा, ठीक है, और हम डस्टबिन में फेंकेंगे। तो वही चीज़ है कि प्लीज़ यार कुछ भी गंदगी कर रहे हो अपने पास ही रखो। अब चलते हैं हम यहाँ से घर को, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर मिलता हूँ आपसे। लोकल वाली बात, अंकल हम कोई गलत कर रहे हैं ना हमें। तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, अभी यहाँ देखो पता गाइस क्या हो गया, थोड़ा सा ना यहाँ पे सीन खराब हो गया। सिंपल बात बताऊँ आपको, है ना, गुल्लाघाटी में काफ़ी मूड खराब हो गया। बेसिकली देखो हम गए थे वहाँ पे, बट हाँ वो दादाजी करके मिले, ठीक है, उन्होंने एक तो शराब पी ली थी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और वो कर रहे हैं हमसे कि भाई तुम आज बदतमीजी, मतलब ना यार हम, मैं ना बहुत पोलाइटली बात कर रहा था इतना ना, बेसिकली सीन वो बोल रहे हैं तुम यहाँ क्यों आए, तुम यहाँ पे परमिशन ले रखी है। अबे किसने परमिशन ले रखी, वहाँ 50 जने हैं, कि तुमने यहाँ गाड़ी खड़ी करने की किससे परमिशन ली। गाइस एक रूल है आपको, मतलब रूल है, अगर आपका नहीं पता तो जो हमारी वाइट लाइन होती है ना, उसके अगर आप वाइट लाइन से क्रॉस पे गाड़ी खड़ी करोगे ना, ना आपका चलान हो सकता है, ना कोई आपको बोल सकता है फालतू, पार्किंग एरिया में आता है। वैसे भी हमने जो गाड़ी खड़ी करी थी ना, वो गुल्लाघाटी के जो जंगलात वाला एरिया है उधर की साइड खड़ी करी थी, रोड पे खड़ी थी, रोड पे, तो उनको पहली बात तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, ठेका नहीं ले रखा, ठीक है, हमसे पहले ना वहाँ पे एक लड़का दो लड़की गई थी, ठीक है, उन्होंने उनकी शॉप से सामान लिया था, तो उनका मुझे लगता है जली ना, इसलिए जली कि हमने उनकी शॉप से सामान नहीं लिया। अरे भाई हम वहाँ वीडियो बनाने जा रहे थे, हम सामान क्यों लेंगे वहाँ पे, हम खाएंगे पियेंगे थोड़ी जा रहे थे, हम सिर्फ वीडियो बनाने जा रहे थे भाई, इंजॉय करने नहीं जा रहे थे। तो हम तो चढ़ रहे कि भाई मैंने साफ बोला अंकल ना दारू पीते ना हम लड़कीबाजी करते, तो फालतू बात तो मत ही करोगे, कि मैंने बोल रहे कहा, मैंने बोला भाई ये रहता मैं नथू वाला, अरे वहाँ के को तो मैं जानता हूँ, वहाँ तो गुंडे होते हैं, मैंने खून ही रहते हैं, मेरा बोला था अंकल डरो ना, फिर आपको तो डरना चाहिए, फिर वो बदतमीजी करने लगे थे। फिर मैंने मतलब उनकी एज के हिसाब से जितना बोल रहे थे ना, मैं सही बता रहा हूँ, थोड़ी देर में उनके प्राण निकलने वाले थे। मतलब देखो हरमन भाई और मैं थे वहाँ पे ना, हमने बहुत हैंडल करा मामला और बहुत भाई बंदी में थे हम, हमने मैक्सिमम तो हम चुप ही रहे, क्योंकि देखो गधों के साथ बहस करना होता है, तो हम शांत रहे थे बहुत ज़्यादा। अगर मीन वही वाली बात है, अब झेल गए, तो भाई यही चीज़ें आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे यार, आप कुछ सही काम करने जा रहे होंगे, अपना काम निपटाने जा रहे होंगे, बट ऐसे तो बस यही था आपको बताना कि अगर हम वहाँ जा रहे हो 50 लोग मुँह लगेंगे भाई, अगर जंगलात वाले चलान काटेंगे वो आपका काटेंगे, इन्हें क्या मतलब होता है भाई, तुम कौन लोग हो, ठीक है, अगर आप वहाँ गलत कर रहे हो भाई, लड़कीबाजी कर रहे हो, अपनी शॉप बंद करो, वही तो शॉप में तुमसे सामान लेने जा रहे हैं लोग, चकना लेके जा रहे हैं वहाँ पे कि भाई करके उतारू पीने शॉप की वजह से ही तो बैठ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि सामान इजीली अवेलेबल है सारा। भाई देखो भाई का कहना भी सही है, तो तुम्हारा क्या कहना है इसमें, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यार ये लगता है कि देखो इनको अपने काम से काम रखना चाहिए, वहाँ जो भी हो रहा है इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जंगल इनका नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ सबको आना अलाउड होना चाहिए, नहीं तो वहाँ कोई ना है, ठीक है। और एक उन्होंने वहाँ फर्जी सा बोर्ड लगा रखा, दिख रहा लिखा हुआ उस पर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, तो वो हमें हाँ वो ना बोर्ड दिखा रहे थे, बोर्ड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था भाई, लिटरली बता रहा हूँ, समझ में भी नहीं आ रहा, फोटो डाल दूंगा आपकी, समझ ही नहीं आ रहा। और कौन पढ़ता है बोर्ड आज के टाइम पे, ऊपर लोग रास्ते को नहीं पढ़ते, आजकल गूगल मैप देखते हैं, और क्या गूगल मैप वाला जमाना है भाई, वो जमाना नहीं है, वहाँ तो अनाउंसमेंट करवानी चाहिए। और अगर आपको रोकना है सबको रोको, हमसे पहले वहाँ पे ना एक लड़का लड़की जा रहे थे, और वहाँ पे ना एक आपको दिखाऊंगा, अगर शायद वीडियो बनी होगी वहाँ पे ना, एक दो लड़की और दो लड़के भी जा रहे थे, तो वहाँ पे योगा वगैरह की वीडियो शूट कर रहे थे, हम भी अपना एक नॉर्मल सा ब्लॉग बनाने जा रहे थे भाई के साथ, क्योंकि भाई को ये जगह पता नहीं थी गुल्लाघाटी, और मैं भी कम से कम 4-5 साल बाद गया। और भाई हम गुल्लाघाटी की बात करूँ ना, तो वहाँ पे एक जना नहीं, कम से कम 25-30 जने होंगे, जो हम जहाँ पे नहाने वाला एरिया है ना, जो मेन नहाने वाला एरिया जिसे हाइड्रम बोलते हैं, वहाँ तो कम से कम 25-30 जने थे, हमारे बाद 20-25 जने आ गए थे, ठीक है। और जिस जगह पे हम गए थे वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट भी थे, लड़का लड़की भी थे, और जने भी थे, हमें काफी बच्चे भी दिखे, हमने वीडियो बनाई, तो भी दिखे अंकल को, मुझे तो बस उनका कहने का मतलब यही है कि यार हमारी दुकान से सामान लो, हम क्यों ले भाई, हम तो वीडियो बनाने आ रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। और वही बात है, तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब हमारे लिए हर्ट्स वर्स हो गया, पूरा इन्जॉयमेंट जा रहा था हमारा, लेकिन उससे थोड़ा सा माइंड फक्ड अप टाइप का हो गया।